हाय एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल गाइस। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपका विशाल सर। और गाइस, अभी पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम है उस पर हम एक नज़र डालेंगे। गाइस, सीबीएसई क्लास 10 12th के रिजल्ट्स आ गए, आईसीएसई वालों के भी रिजल्ट्स आ गए, आईएससी वालों के भी रिजल्ट्स आ गए, और बच्चों का एक बहुत बड़ा तबका काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ में पास हुआ, काफ़ी अच्छे परसेंटेजेस आए, परसेंटेज इंक्रीज भी हुआ, पासिंग ओवरऑल पासिंग परसेंटेज। लेकिन वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है कि बहुत बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स का, एक बहुत बड़ा हिस्सा, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त सीबीएसई क्लास 10 12th की, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खुश नहीं है। बहुत बड़े हिस्से को, स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट आया है। अकेले क्लास 12th की बात करें तो 87,000 स्टूडेंट्स को सीबीएसई क्लास 12th एग्ज़ाम में बैक लगा है, कंपार्टमेंट लगा है, किसी को एक सब्जेक्ट में, किसी को दो सब्जेक्ट में। जो बचे हुए बच्चे पास हुए भी हैं वो अपने परसेंटेज से खुश नहीं हैं। बहुत बच्चों ने ये हमसे बात किया, फ़ोन पे बात किया, व्हाट्सएप में बात किया, और ये कहा कि जो उनके जो मार्क्स आए हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि एक स्टूडेंट से बेहतर कौन जान सकता है कि उसने एग्ज़ाम कैसा लिखा। मैं मान सकता हूं कि स्टूडेंट्स का कुछ हद तक एग्जाम जो अंदाज़ा है, एजम्पशन है, वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन क्या 30-30, 40-40 नंबर नीचे ऊपर होगा? मेरे पास कितने ही स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप मैसेज किया है, मार्कशीट अपना शेयर किया है, ईमेल किया है, फ़ोन कॉल्स में मेरे से बात हुए हैं, और मैंने खुद भी उसे जब देखा तो कहना मुश्किल था कि मैं बच्चों को क्या जवाब दूँ, व्हाट शुड बी माई आंसर। तो गाइज, घुमा फिरा के नहीं, स्ट्रेट वे में बोल रहा हूँ, कल आपके साथ में लाइव सेशन में जो हमारा बात हुआ और सभी बच्चों ने जो एक हमारे चैनल के प्रति प्यार दिखाया, मेरे ऊपर में एक विश्वास दिखाया, उस विश्वास ने आज ये चीज़ किया है कि हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, #cancelcompartmentexam2020। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, एक कैंपेन होगा, ये आपके मदद के बिना, आपके साथ के बिना बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, सब जगह आपको ये मैसेज, ये हैशटैग कैंपेन शुरू करना होगा, रीट्वीट्स करना होगा बार 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 बार। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सीबीएसई कह रहा है कि वो कैंसिल एग्ज़ाम लेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे, हाउ? जब सीबीएसई पहले एग्ज़ाम्स नहीं ले सका, एचआरडी मिनिस्ट्री में जो है वो नीट, जी मेन, जी एडवांस एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए मजबूर होने होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, जब आज से एक महीना पहले एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं था, तो आज सुबह का है, भारत में कोविड-19 के केसेस 10,77,000 से भी ऊपर के केसेस हो चुके हैं। ये आज सुबह जब आप वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त का ये है। तो आज से एक महीना बाद या डेढ़ महीना बाद अगर आप कंपार्टमेंट लेते हैं, क्योंकि जुलाई तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, यहाँ एग्ज़ाम नहीं हो सकता अगर आप लेते हैं, तो अगर एचआरडी मिनिस्ट्री सीबीएसई लेता है तो वो किसी भी हालत में इस एक महीना के अंदर नहीं ले सकता, मतलब सितंबर तक जा सकता है। तो सितंबर तक में जब पर डे 40,000-35,000 जो है आपके कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो वो सोचिए कि कितना हाइक पे होगा और आप कैसे एग्ज़ाम ले पाओगे। तो एक प्रैक्टिकल होना, एक प्रैक्टिकल सोच के साथ में आना मेरे ख्याल से सीबीएसई को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ाम पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ज़िद की लड़ाई। माना कि कुछ बच्चों को कंपार्टमेंट लगा, माना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन इसका ये सॉल्यूशन अभी नहीं है। और ख़ास तौर पे जब कोविड-19 ये पैंडेमिक जो है ये इतना बड़ा विकराल रूप ले चुका है, पूरा विश्व परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, तो उस वक्त आई थिंक स्टूडेंट्स को रिलैक्स किया जा सकता था। अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं देने थे तो एटलीस्ट पास किया जा सकता था, ताकि बच्चे कम से कम उनका एक साल बर्बाद ना हो, उनका फ्यूचर वेस्ट ना हो। गाइज, आपको ये इस मुहिम में, इस कैंपेन में अपने पूरे मन के साथ में आपको अगर लगता है तो साथ देना होगा। आगे बढ़ें इससे पहले मैं उन सभी बच्चों का स्वागत करूंगा जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं। जो भी पेरेंट्स, गार्जियंस, बच्चे जो भी पहली बार आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़, कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस मिस नहीं हों।
हम पिछले 200 दिन से एक एक दिन में 6-6 7-7 घंटा लाइव सेशन ले रहे थे ताकि बच्चों को हर तरह का सपोर्ट हम दे सकें। ये सभी बच्चे जानते हैं, हमारे सारे सब्सक्राइबर जानते हैं। तो इस संकट की घड़ी में हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए ये कैंपेन अब आपके हाथ और हमारे हाथ। आपके विशाल सर, मैं यानी कि मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा इस चीज़ के लिए, लेकिन हम कुछ पॉजिटिव वे में जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वे में जाएंगे। और आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, ट्वीट्स पे ट्वीट, रीट्वीट्स करना होगा, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करना होगा, ओनली देन वी कैन थिंक ऑफ समथिंग। नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, कोई चेंजेस नहीं आने वाला, आपको जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा सो डैट कि आप सारी चीज़ें समझ सकें, और सारी चीज़ें समझने के बाद ही में आप इस कैंपेन में शामिल हों, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने बोला और भीड़ चाल में आप शामिल हो गए। हम यहाँ कुछ पॉइंट्स को रख रहे हैं जिस पे किसी को एतराज़ नहीं होगा, ये मैंने कल भी बच्चों के साथ डिस्कशन किया था, सारे के सारे बच्चे फुल सपोर्ट में थे, जितने भी बच्चे थे, हज़ारों बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे मेरे साथ सपोर्ट में थे। मैं कुछ बातें रख रहा हूँ HRD मिनिस्ट्री के सामने में कि अगर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो बच्चे हैं अगर उनको वो डायरेक्ट पास नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पहला, वो स्कूल से एक री ओपिनियन ले सकते हैं, वो एक री ओपिनियन ले सकते हैं, किसके लिए, इंटरनल मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट कहिए आप, ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो स्कूल से जितने भी बच्चों का कंपार्ट लगा है उनके लिए वो एक स्कूल से डिमांड करें कि इन सभी बच्चों का पूरा एक साल का, दो साल का, जो भी, आप री ओपिनियन दीजिए, बताइए उनका इंटरनल मार्क्स कैसा था, असेसमेंट कैसा था, बिहेवियर कैसा था, डिसिप्लिन कितना था, क्लास में अटेंडेंस कितना था, ये सब चीज़ को देख करके कुछ मार्क्स दीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये हो सकता है कि कुछ असाइनमेंट दे दीजिए जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप असाइनमेंट दे दीजिए, भले ही वो 50 पन्नों का हो या 100 पन्नों का हो, बच्चे भेजेंगे। थर्ड पॉइंट, कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जा सकता है बच्चे को, जिस पे हम या HRD मिनिस्ट्री या CBSE मार्क्स दे, भीख नहीं चाहिए, ये मैंने कल कहा था। स्टूडेंट्स डायरेक्ट बैगिंग नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंट्स रख रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ सभी बच्चों की तरफ से कि री ओपिनियन आप ले लीजिए हमारा स्कूल से, आखिरकार वहाँ पे हमने समय बिताया, बच्चों ने समय बिताया। असाइनमेंट आप हमें दीजिए 100 पन्ने का, 200 पन्ने का, आप हमें प्रोजेक्ट दे दीजिए, और इन तीन के बेसिस में आप इजिली आप बच्चे को असेस कर सकते हैं, और कुछ ना भी सही तो अच्छा खासा बच्चे कम से कम 40-50 नंबर से ऊपर से तो पास हो सकता है इजिली, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम होता हुआ नियर बाई फ्यूचर में दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि अगर उनको लेने की इच्छा है तो असाइनमेंट जो है वो हम हार्ड कॉपी भी दे देंगे। सभी बच्चे अगर मेरे साथ सहमत हों तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। हार्ड कॉपी और हम सॉफ्ट कॉपी हम CBSE को दोनों भेज देंगे, हमारे सारे बच्चे भेजेंगे, पूरे भारत के बच्चे भेजेंगे। किसी बच्चे को आप फ्री फंड का पास मत कीजिए, ये आप एक, जब आपने पहले, जब CBSE ने पहले एक नई मार्किंग स्कीम को अपनाया था तो ये भी एक मार्किंग स्कीम हो सकता है इजिली। किसी बच्चे को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप फ्री फंड का नंबर दीजिए, लेकिन आप एक असाइनमेंट दे दीजिए ना जो वो घर बैठे तैयार कर सकता है, जिसमें उसको इश्यूज़ नहीं होगा, जिसमें उसके माँ बाप जो हैं वो परेशान नहीं होंगे, उनको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, वो डरेंगे नहीं कि बच्चा आज से 2 महीना या 1 महीना बाद में कोरोना वायरस के उतने तेज़ी में, उतने उफान में वो कैसे सेंटर तक पहुंचेगा, कैसे एग्ज़ाम लिखेगा। तो हम हार्ड कॉपी भी भेज देंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देंगे, बच्चे भेज देंगे सारे के सारे, ठीक है। जो भी आप असाइनमेंट दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए सिर माथे पर, जो भी CBSE दे, ठीक है, ये हो सकता है। एंड सेकंड थिंग, सॉफ्ट कॉपी भी हम दे देंगे। तो इतना पे तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए कोई लॉजिक नहीं मिलता CBSE बोर्ड को, HRD मिनिस्ट्री को कोई लॉजिक नहीं मिलता, ये हो रहा है। बजाय इसके कि बैठ करके हम और सोचें, बजाय इसके ये हो सकता है कि तुरंत CBSE फैसला ले,
इन चीज़ों पर फैसला ले, हम सिर्फ रोक दो, एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, सिर माथे पर है, मैंने देखा है अपने बच्चों को, सभी बच्चों को, जितने बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, भले ही मैं बाई फेस उनको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक कनेक्शन है, उनके सोच को हम पढ़ पाते हैं। बच्चे टेंशन में हैं, हम बड़े हैं, हम इतना कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और बहुत ईजिली कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट भी बना रहे हैं इसके द्वारा, हम उनको बेगिंग नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का भीख नहीं, ना ही हमने कोई एहसान किया कि चलो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। दे दीजिए असाइनमेंट, 5 दिन 7 दिन का टाइम दीजिए, सारे बच्चे लिख करके कंप्लीट कर लेंगे। कर लोगे ना बेटा आप लोग? अगर कर लोगे तो लिखो कमेंट सेक्शन में कि सर वी विल, अगर CBSE प्रोवाइड करता है तो हम असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स ये हम कंप्लीट कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना बेटा। ओनली देन समझ में आएगा कि क्या आप लोग का सोच है, क्या आप लोगों का ये है। मैंने ट्विटर अपना बंद कर दिया था काफ़ी समय पहले, मैं काफ़ी बिजी रहता था। फेसबुक में भी मैं बहुत दिनों से अभी क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हूँ, यूट्यूब में हूँ, टीचिंग में हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में बिज़ी हूँ, तो मैं अभी नहीं था, लेकिन आप सभी बच्चों के लिए मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ। सो रीट्वीट्स करना है, मैसेजेस करना है, बार बार करना है और एक सुर में बोलना है। जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, इस मुहिम को #cancelcompartmentexam2020 कर सकें, प्लीज़ कीजिए, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। मैं ये दावा नहीं कर रहा किसी भी दूसरे यूट्यूबर की तरह कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल ही हम कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट हम एक पॉजिटिव सोच रख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव सोच है। स्कूल से री ओपिनियन मांगना ये एक पॉजिटिव सोच है, बच्चों को असाइनमेंट या प्रोजेक्ट देना ये एक पॉजिटिव सोच है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ये एक नई मार्किंग स्कीम हो सकती है एंड आई डोंट थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी अगर वहां तक भी बात पहुंचता है तो कोई उनको ऑब्जेक्शन होगा। कम से कम इतना किया जा सकता है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, बाद बाकी अदर सेशंस जब ये पूरा माहौल शांत हो जाएगा तो ये किया आराम से, फिर जो प्रीवियस उनका जो रूल रेगुलेशन है उस पर चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बच्चों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एटलीस्ट जिन बच्चों का एक साल बर्बाद होता दिख रहा है, वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे समझ में खुद भी नहीं आता है कि मैं किस किस को जवाब दूं और क्या क्या जवाब दूं, तो यहां इस प्लेटफॉर्म से, अपने प्लेटफॉर्म से मैं HRD मिनिस्ट्री, CBSE सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमने एक स्कीम को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, आप सभी प्लीज बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे, ठीक है बच्चे मान लीजिए कंपार्ट हुए भी हैं भले ही जो भी नंबर से, तो आप उनको एग्ज़ाम वैसे भी ले रहे थे, इसी को एक एग्ज़ाम का रूप ले लीजिए, क्योंकि वैसे भी इंटरनल असेसमेंट में भी एग्ज़ाम का, प्रोजेक्ट का, आपका असाइनमेंट्स का, ये सब का एक मार्क्स तो होता ही है। तो बस फ़र्क ये है कि अभी हमने इसको थोड़ा बड़ा रूप दे दिया। गार्जियन बहुत दुआएं देंगे सभी को, रिलैक्स हो जाएंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस कैंपेन को ज़रूर सपोर्ट करना। एट द एंड मैं यही कहूँगा, अगर हम एक होंगे ज़रूर हम सक्सेस करेंगे। एट द एंड दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ, प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, हम ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।